بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته माशाल्लाह पूरे चार्ज अप होके आप लोग मौजूद हैं। आप लोगों को आवाज आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आवाज आ रही है, स्क्रीन भी साफ नजर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारा रिवीजन सेशन है जी सर। आज हमने रिवीजन करनी है जी। तो हमारे पास इस वक्त 11 लोग मौजूद हैं। मैं एक मिनट पार्टिसिपेंट्स को अपने सामने ले आऊं। जी अच्छा जी, मुझे जो कुछ मैसेजेस मौसूल हुए व्हाट्सएप पे रिवीजन के हवाले से, उस पर हम वन बाय वन शुरू करेंगे। तो एक मैसेज आया हुआ था कि हसीबा का मुकम्मल टेबल आप लोगों के साथ शेयर कर लें। तो इसको टेक्निकली यूं समझें कि हसीबा का टेबल माजी के अलावा, पहले माजी का जो पूरा है, माजी वाहिद जमा मुखातिब मुतकल्लिम ये सारे, इसके अलावा मुजारे वाले अमर नहीं इस्म फाइल और इस्म मफ़ऊल, ये सारे के सारे ज़रबा वाले टेबल की तरह है और माजी जो है वो समिया की तरह बनेगा। क्या इसमें सेंस बनती है? देखें, समिया का टेबल हमने किया था समिया समिउ समिअता समिअतु समिअतुम समिअना, तो ऐसे ही हसीबा का माजी भी बनेगा हसीबा हसीबु हसीबता हसीबतु हसीबतुम हसीबना। अब समिया में हमने मुदारे किया था यस्माउ, तो यहाँ पर यह सबू नहीं करेंगे बल्कि दरबा वाला मुदारे ले लेंगे। दरबा से यद्रिबू था, तो हसीबा से यहसिबू यहसिबूना तहसिबू अहसिबू तहसिबूना नहसिबू, और अमर भी उसी तरह इद्रिब था वहाँ पे, तो एहसिब एहसिबू ला तहसिब ला तहसिबू हासिब महसूब और हुस्बान इसका मस्तर आ जाएगा, या हसबुन हसबानुन हिसाबुन ये सारे मस्तर इसके इस्तेमाल होते हैं। तो पहला सवाल आई थिंक एड्रेस हो गया कि हसीबा का टेबल, और ये चूंकि हमारे बुक के सिलेबस में नहीं है कि हमने पूरा हसीबा का टेबल भी याद करना है या उसके बारे में कोई सवाल, वो इसलिए इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। दूसरा सवाल जो इम्पोर्टेंट है और कोर्स से रिलेटेड भी है वो है फेल मजहूल का इआदा। ठीक है जी। अच्छा, फेल मजहूल के लिए हमने जो है वो ये बात पहली याद रखने वाली ये है कि फेल मजहूल का जो टेबल बनता है वो सिर्फ माजी और मुजारे का बनता है। फेल माजी से मजहूल बनेगा और फेल मुदारे से मजहूल बनेगा, यानी इस्तेमाल यूज होंगे फेल माजी और फेल मुदारे, बाकी अमर और नहीं या इसम फाइल इसम मफ़ऊल वगैरह इन चीज़ों में मजहूल का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सिर्फ हमने माजी और मुदारे को देखना है। उसमें हमने जो रूल पढ़ा था वो ये था कि फेल माजी के अंदर मजहूल बनाने का तरीका ये है कि फेल माजी में फेले माजी का मजहूल बनाने के लिए हम सबसे पहले हम ले रहे हैं तीन हरफी अफाल, तीन हरफी अफाल यानी फतहा और नसरा और दराबा और समिया। ठीक है जी। इन सब के लिए हमारे पास एक ही रूल है कि जो पहला हर्फ है
पहले हर्फ पर पेश आ जाएगी। यानी फतह से फू आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आखिरी हर्फ तब्दील नहीं होगा। आखिरी हर्फ तब्दील नहीं होगा। और तीसरी बात के दरमियान वाला जो है, या जिसको हम कह लें सेकंड लास्ट, उस पर क्या आ जाएगी, जेर आ जाएगी। तो अब उस हिसाब से अगर मैं यहां लिखूं, मेरे पास था, हमने पढ़ा है फताहा, फताहा। इसी तरह दूसरा हमने पढ़ा है नसारा, तीसरा हमने पढ़ा है दाराबा, और चौथा हमने पढ़ा है समीआ। अब हमने इन सब का बनाना है मुदारे। तो फतह में वही लिख रहा हूं, जेर जबर नहीं लगा रहा। अच्छा, पहली बात हमने पढ़ी कि जो पहले वाला है उसके ऊपर पेश आ जाएगी, पहले हर्फ पर पेश। तो फा पर पेश, नून पर पेश, दाद पर पेश, सीन पर पेश। आखिरी वाला तब्दील नहीं होगा, जबर 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 और जबर आगे। सेकंड लास्ट या दरमियान वाले के नीचे जेर, तो ये सब के नीचे जेर आ जाएगी, मीम के नीचे भी जेर। तो अब ये बन गया फतह से फुतेहा, ये था फतहा, इससे बन गया फुतेहा। नसारा, और इससे बन गया नुसरा। इसी तरह दाराबा, दूरीबा। समीआ, सुमीआ। और फिर इसी से आगे चलेगा फुतेहा, फुतेहु, फुतेहता, फुतेहतु, फुतेहतुम, फुतेहना। नुसरा, नुसिरु, नुसिरता, नुसिरतु, नुसिरतुम, नुसिरना। दुरिबा, दुरिबु, दुरिबता, दुरिबतु, दुरिबतुम, दुरिबना। सुमिया, सुमिउ, सुमिता, सुमिअतु, सुमिअतुम, सुमिअना। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर होगी। पहले बाजी मजहूल, कोई कंफर्म कर दें कि ओके आगे चलूं मैं। ओके सर, जजाकल्ला। अब आ जाए मुदारे में। तो मुदारे के अंदर जो है वो मुदारे मजहूल, इन्हीं तीन हर्फी अफाल को अगर हम लें तो ये था हमारे पास यफ्तहु और यंसुरु और यद्रिबु और यस्माउ। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले हर्फ पर पेश, पेश आ जाएगी, और नंबर दो आखिरी हर्फ में तब्दीली नहीं होगी, और तीसरा होगा कि साकिन जो है वो साकिन ही रहेगा,
नंबर चार, हरकत वाले सब पर क्या आ जाएगा, जबर आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको लिख कर देखते हैं कि ये बनेगा कैसे। हमारे पास, हमारे पास है यफ्ताहु और है यंसुरु और है यद्रिबु और यस्माउ। तो मैं हरकतें नहीं लगा रहा, तो पहला रूल हमने पढ़ा कि पहले सब पर पेश आ जाएगी, पहला या है इस पर पेश, आखिर में जो हरकत थी वो बरकरार रहेगी, पेश 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 और पेश। जो हर साकिन थे वो साकिन ही रहेंगे, तो सब में दूसरे वाला हर्फ जो था वो साकिन था, जैसे यहाँ पर फा साकिन था, इधर नून, इधर दाद और इधर सीन। अब बाकी रह गया पीछे सेकंड लास्ट, तो सेकंड लास्ट पे हमने क्या किया कि बाकी जितने भी हरकत वाले हैं जिन पर कोई जबर जेर पेश है, उन सब की हरकत जबर में चेंज हो जाएगी। तो ये बन गया यस्माहू से, सॉरी यफ्ताहू से युफ्ताहू, यंसुरु से युनसरु, यद्रिबु से युद्रबु, यस्माहू से युस्माहू। मतलब अगर पहले से जबर मौजूद है, जैसे यस्माहु और यफ्ताहु में पहले से जबर है, तो उसको कोई चेंज नहीं किया जाएगा, और जहां नहीं है वहां जबर आ जाएगी, बाकी आगे का पूरा उसी तरह से बन जाएगा। युफ्ताहु युफ्ताहुना, तुफ्ताहु उफ्ताहु, तुफ्ताहुना नुफ्ताहु, युनसरु युनसरुना, तुनसरु उनसरु, तुनसरुना नुनसरु, युद्रबु युद्रबुना, तुद्रबु اضربوا تضربون نضربوا، يسمعوا يسمعون تسمعوا اسمعوا تسمعون نسمعوا। ये भी क्लियर हो गया जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, जज़ाकअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद इसी फेले मजहूल को अगर हम देखें, ये फेले मजहूल है मजीद फीही अफाल का, उसमें हमने जो पढ़े हैं वो हमने पढ़ा, सबसे पहला हमने पढ़ा आल्लमा और हासबा, अस्लमा और इख्तलफा, इस्तग़फ़रा। ठीक है जी, इसमें भी वही रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है जी, सिर्फ फर्क इसमें यह होगा कि यहां पर जो है वो तीन हरफी नहीं है, ज्यादा हैं, तो एक इजाफा होगा जो फेल माजी, तीन हरफी अफाल में दो बातें थी, तीन बातें, कि पहले हर्फ पर पेश और आखिरी हर्फ की हरकत चेंज नहीं होगी, और सेकंड लास्ट के नीचे जेर आ जाएगी। ये तीन बातें, और इनके साथ एक चौथी बात
कि इसके अलावा जितने भी हरकत वाले होंगे हरूफ जिनके ऊपर जेर जबर पेश कोई भी है, उन सब की हरकत जो है वो पेश में बदल जाएगी। ठीक है जी, अब इसको मैं लिख लेता हूँ, अल्लामा है तो इससे क्या बनेगा, मैं हरकतें नहीं लगा रहा, हासबा से क्या बनेगा, असलमा से और इख्तलाफा से इस्तफरा से, पहले वाले पर आ जाएगी पेश सब पर, अल्लामा के आइन पर पेश, हासबा के हा पर पेश, असलमा के हमजा पर पेश, इख्तलाफा के भी हमजा पर उख्तलीफा, इस्तफरा से भी उख हो जाएगा। आखिरी हरकत चेंज नहीं होगी तो मीम पर भी जबर, असलमा पर भी जबर, हासबा इख्तलाफा इस्तफरा, दो काम हो गए। तीसरा काम सेकंड लास्ट के नीचे आ जाएगी जेर, तो सेकंड लास्ट अल्लामा को हम छोड़ देते हैं, दूसरे पर आ जाते हैं। यहाँ पर सेकंड लास्ट आ रहा है सीन, हासबा में सीन के नीचे जेर, असलमा में सेकंड लास्ट आ रहा है लाम, तो लाम के नीचे जेर, इख्तलाफा में सेकंड लास्ट है लाम तो इसके नीचे भी जेर, इस्तगफरा में भी सेकंड लास्ट है फा तो इसके नीचे भी जेर। ठीक है जी, अब अल्लामा को अगर हम लें तो ये असल में यूं है, दो लाम है, तो इसमें अब जो है पहले पर पेश हमने दी, आखिर पे जबर और सेकंड लास्ट ये जेर थी, तो ये जेर हम यहाँ ले आएंगे। तो पहले वाला तो ये ओके हो गया, ये बन गया उल्लिमा, और असलमा से ये उस्लिमा बन गया, हासबा को अभी छोड़ दें, असलमा से उस्लिमा बन गया, और इख्तलाफा में जो साकिन था उसको साकिन छोड़ दिया, खा साकिन था उसको साकिन छोड़ दिया, इसी तरह इस्तफरा में सीन साकिन था और गैन साकिन था, बाकी पीछे रह गया इख्तलाफा में एक ता और इस्तफरा में भी एक ता, तो इन दोनों के ऊपर पेश आ जाएगी, तो ये बन जाएगा उख्तलिफा उस्तगफिरा। तो उल्लिमा उस्लिमा उख्तलिफा उस्तगफिरा, उल्लिमा उस्लिमा उख्तलिफा उस्तगफिरा। ठीक है जी, अब एक रह गया पीछे हासबा से जो हमने बनाया है, हासबा से ये क्या हुआ, हमने शुरू में हमने पेश लगाई, शुरू में हमने पेश लगा दी, उसके बाद जो अलिफ था, अब ये भी हमने किसी टू में रूल पढ़ा था कि पेश चाहते हैं कि उसके बाद वाला कोई भी कमजोर हर्फ है हम उसे वाओ में चेंज कर दें, अलिफ कमजोर हर्फ था, पेश की वजह से इस अलिफ को हमने वाओ में चेंज कर दिया। ठीक है, और बाकी वही रहा, तो ये बन गया हमारे पास हुसिबा। तो अल्लामा से उल्लिमा, हासबा से हुसिबा, असलमा से उस्लिमा, इख्तलाफा से उख्तलिफा, इस्तगफरा से उस्तगफिरा। ठीक है जी, अब बाकी सिर्फ यही तो नहीं थे, और भी थे मजीद फी, वो क्या क्या थे, तदब्बरा और तदारसा और इनकलाबा, सेम रूल अप्लाई होगा, कि शुरू में पेश ता पर पेश, तदब्बरा के ता पर तू हो गया, और इनकलबा में और तदारसा में भी ता पर पेश, और इनकलबा में भी हमजा पर पेश, आखिरी हर्फ की हरकत बरकरार रहेगी, जबर है तो जबर ही रहेगी, सेकंड लास्ट के नीचे तीनों में जेर आ जाएगी, जेर आ गई, जो साकिन थे वो साकिन ही रहेंगे जैसे इनकलबा में था,
और इसमें भी डबल बात है तो पहले वाला जो है वो साकिन ही रहेगा। अलिफ यहाँ पर तदारा समय अलिफ साकिन था तो साकिन ही रहेगा। उसके अलावा बाकी जितने भी हरूफ किसी हरकत वाले हैं उनकी हरकत को पेश से बदल देंगे। तो यहाँ तदब्बरा में दाल बचता है, दाल पर जबर थी तो दाल पर पेश लगा देंगे। तदारा समय भी दाल बचता है, दाल पर जबर थी तो इस पर भी पेश लगा देंगे। इनकलाबा में काफ बचता है, काफ पर जबर थी तो उसको भी पेश से बदल देंगे। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा तदब्बरा से तुदुब्बिरा, तदब्बरा से तुदुब्बिरा, और इनकलाबा से उनकुलिबा। तदारसा में वही काम होगा जो हासबा में हुआ है कि दाल पर पेश आई तो इसके बाद वाला अलिफ वाओ में चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा तुदूरिसा, तुदूरिसा। तो अब ये हमारे पास मजीद फी ही के फेल मजहूल आगे शुरू से अगर हम देखें तो अल्लमा से उल्लिमा, हासबा से हुसिबा, असलमा से उस्लिमा, इख्तलाफा से उख्तलिफा, इस्तगफरा से उस्तगफिरा, तदब्बरा से तुदुब्बिरा, तदारसा से तुदूरिसा, इनकलाबा से उनकुलिबा। ठीक है जी, बात वाजे हो गई। जज़ाकअल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी में मजीद फीही का फेल मुदारे ले लें। पहले मुजारे मजहूल मजीद फीही, तो अल्लमा से था युअल्लिमु, ये हाथ कैसे करते हैं, हासबा से था युहासिबु। एक्सक्यूज मी, जी जी, ये इनकलाबा फैमिली का मजहूल तो नहीं होता? नहीं, होता नहीं है, लेकिन बनाने के लिए रूल यही है हमारे पास। रूल तो यही है लेकिन होता तो नहीं है ना, यूज नहीं होता, यूज नहीं होता, हम ये कह सकते हैं कि वो यूज नहीं होता। सही, अगर मतलब जनरली यूज नहीं होता लेकिन अगर कभी यूज करना पड़े तो वो इसी पैटर्न पर बनेगा। ठीक है जी, मुजारे में युस्लिमु आ गया और जो अल्लिमु और यख्तलिफु था। और यस्तगफिरु, अब इसमें वही मुजारे वाले रूल्स अप्लाई होंगे जो वहां पे हुए थे। मजीद फी ही में कुछ थोड़ी सी चेंजेस आएंगी। शुरू में पेश थी, पेश आ रही थी, जैसे यफ्तहु से युफ्तहु बना दिया था तो शुरू में सबके ऊपर पेश आ जाएगी यहाँ पर भी। और यख्तलिफु, यस्तगफिरु, आखिरी हर्फ की हरकत को तब्दील नहीं करेंगे, वही बाकी रहेगी, आखिर में चेंज नहीं आएगा। सेकंड लास्ट में वहां पर क्या किया था, यफ्तहु से युफ्तहु, यद्रिबु से युद्रबु, सेकंड लास्ट पर जबर लगा दी थी तो वो यहाँ पर भी लगा देंगे। ठीक है जी, और बाकी जो है वो साकिन साकिन ही रहेंगे। ठीक है जी, यहाँ साकिन थे। और जो बाकी जितने भी हरकात हैं उन सब को जबर में बदल देंगे। यहाँ पर इंटरेस्टिंगली जितने भी हैं उन सब की ऑलरेडी बचती ही जबर है। ठीक है, तो युअल्लिमु में आइन है तो इस पर जबर ही रहेगी, युहासबु में भी हा है इस पर जबर ही रहेगी, युस्लमु ये साकिन है साकिन ही रहेगा, युख्ता ता पर उसमें भी जबर थी यहाँ भी जबर रहेगी, और इधर भी यस्तगफिरु में भी ता था, ता में फेले मालूम में भी जबर थी यहाँ भी जबर ही रहेगी। तो ये बन जाएगा युअल्लिमु से युअल्लमु, युहासिबु से युहासबु, युस्लिमु से युस्लमु, यख्तलिफु से युख्तलफु,
यस्तग़फिरु से युस्तग़फरु, ठीक है जी। वही सुलासी मुजर्रद यानी तीन हर्फी अफ़ाल वाला रूल चलेगा कि पहले हर्फ पर पेश आ जाएगी, आखिरी हर्फ की हरकत को चेंज नहीं करेंगे, सेकंड लास्ट पर ज़बर आ जाएगी, जो दो चीज़ें ऐड हो जाएंगी। जो साकिन हैं इसके अलावा वो साकिन ही रहेंगे, इन पर कोई हरकत नहीं है, जज़्म है तो वो जज़्म ही बरकरार रहेगी, और उसके अलावा जितने भी हरकत वाले हैं उन सब को, उन सब की हरकत को ज़बर से बदल दिया जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया हमारा पहले पांच अल्लामा वगैरह के, और इसमें आगे अगर हम जाएं तो हमने मजीद जो पढ़े थे यतदब्बरु, और यतदारसु, और यनकलीबु। तो इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे। तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो कोई ट्राई कर सकता है कि यतदब्बरु से मजहूल क्या बनेगा। जी कोई कोशिश करेगा यतदब्बरु से मजहूल यतदब्बरु, यहाँ पर आ जाएगी पेश, आखिर की पेश बाकी और सेकंड लास्ट जबर, और बाकी जितने भी हरकत वाले हैं उन पर जबर। तो यतदब्बरु, यतदब्बरु मालूम था मजहूल बन जाएगा यतदब्बरु, जज़ाकअल्लाह। दूसरा यतदारसु से क्या बन जाएगा, यतदारसु, यतदारसु माशाल्लाह। और यनकलिबु से यनकलबु, ठीक है जी। ये फेल मजहूल का कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। अब अगर हम इसको सारे टेबल को करना चाहें तो इसी तरीके से इसके शुरू और आखिर की जो तब्दीलियां मालूम में हमने पढ़ी थी वही इसमें हम कर सकते हैं। मसलन यतदब्बरु था तो यतदब्बरु, यतदब्बरूना, ततदब्बरु, अतदब्बरु, ततदब्बरूना, नतदब्बरु। मजहूल बनाना है तो यतदब्बरु, यतदब्बरूना, तुतदब्बरु, उतदब्बरु, अगर बनाए तो यस्तग़फिरु से बन जाएगा युस्तग़फरु, युस्तग़फरूना, तुस्तग़फरु, उस्तग़फरु, तुस्तग़फरूना, नुस्तग़फरु, ठीक हो गया जी। एंड सो ऑन, बाकी सारे भी इसी तरह आप बना सकते हैं। अब फिर मजबूर और सवाल ना हो तो हम अगले टॉपिक पे चलें जी। अच्छा सर, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, जो तब्दीलियां लाते हैं अगर वो जस्ट तब्दीलियां बता दें एक दफा रिपीट कर दें कि पहले हर्फ पर क्या आएगा आखिरी हर्फ पे क्या आएगा। ये आपके सामने आ रही है जी, सुलासी तीन हर्फी अल्फाज है, अगर तीन हर्फी अफाल, तीन हर्फी अफाल के फेले माजी से मजहूल बनाते वक्त तीन तब्दीलियां हैं। पहली पहले हर्फ पर पेश आएगी, दूसरा आखिरी हर्फ की हरकत तब्दील नहीं होगी, जो पहले जबर थी तो अब भी जबर रहेगी, और तीसरी बात जो दरमियान वाला हर्फ है या सेकंड लास्ट जिसको हम कहें उसके नीचे जेर आ जाएगी। फतहा से फुतेहा, नसारा से नुसरा, दौराबा से दुरिबा, समिया से सुमिया, ये तीन हर्फी अफ़ाल का फेल माजी था। तीन हर्फी अफ़ाल का फेल मुदारे, शुरू में पेश आ जाएगी, पहले हर्फ पर पेश, आखिरी हर्फ की हरकत तब्दील नहीं होगी, साकिन अगर है तो वो साकिन बरकरार रहेगा यानी जज़्म की जज़्म बाकी रहेगी, उसको चेंज नहीं करेंगे, और उसके अलावा जो भी हरकत वाले हैं उन पर ज़बर आ जाएगी। जैसे यफ्तहु से युफ्तहु, यफ्तहु से युफ्तहु, यनसुरु से युनसरु, यद्रिबु से युद्रबु, यस्महु से युस्महु। ये था तीन हर्फी अफ़ाल का फ़ेल माजी मजहूल और फ़ेल मुदारे मजहूल। फिर हमने पढ़ा मज़ीद फ़ी ही अफ़ाल का फ़ेल माजी मजहूल, तो उसमें हमने कहा कि वही तब्दीलियाँ होंगी, पहले हर्फ पर पेश, आखिरी हर्फ की हरकत चेंज नहीं होगी, सेकंड लास्ट के नीचे
जेर आ जाएगी, और उसके अलावा जितने भी हरकत वाले हैं वो पेश ले लेंगे, और जो साकिन हैं जज़म है जिन पर उनकी जज़म बरकरार रहेगी। मजीद फी ही के फेल मजहूल माजी फेल मजहूल की जो है वो पांच बातें होंगी। पहली बात, तीन बातें वही हैं जो सुलासी मुजरद में थी। पहले हर्फ पर पेश आखिरी हर्फ की हरकत नहीं बदलेगी, सेकंड लास्ट के नीचे जेर आ जाएगी। दो बातें मजीद के उसके अलावा, यानी पहले आखिरी और सेकंड लास्ट, इन तीन के अलावा अगर कोई और हरूफ हैं तो उन हरूफ में जिन पर हरकत लगी हुई है, चाहे वो कोई भी है, जबर जेर पेश कुछ भी है, उसकी हरकत को पेश से बदल दिया जाएगा, और जो साकिन है यानी जिन पर जज़म है उनकी जज़म बरकरार रहेगी। अल्लमा से उल्लिमा, हासबा से हुसिबा, असलमा से उस्लिमा, इख्तलाफा से उख्तलिफा, इस्तगफरा से उस्तगफिरा, इसी तरह तदब्बरा से तुदुब्बिरा, तदारसा से तुदूरिसा, इनकलबा से उनकुलिबा। अब हासबा में हुसिबा बना और तदारसा में तुदूरिसा बना, वाव आया। ये वाव आया है इस वजह से कि जो बचे हुए मुतहर्रिक हरकत वाले हरूफ पर हमने पेश दी है, तो पेश इस बात का तकाजा करती है कि उसके बाद वाला कमजोर हर्फ वाव हो ताकि पढ़ने में आसानी रहे। तो इसलिए हासबा और तदारसा का जो अलिफ था उसको वाव से चेंज कर दिया और वो बन गया हुसिबा और तुदूरिसा। ये मजीद फी ही के फेल माजी का मजहूल था, और मजीद फी के फेल मुजारे का मजहूल उसी तरह है जैसे हमने फेले तीन हरफी अफाल का फेल मजहूल बनाया। वही बात कि इसमें भी थोड़ी सी एडिशन होगी, पहले हर्फ पर पेश होगी जैसे वहां पर था, आखिरी हर्फ की हरकत चेंज नहीं होगी जैसे तीन हरफी अफाल में चेंज नहीं हो रही थी, सेकेंड लास्ट पर जबर आएगी जैसे वहां पर जबर आ रही थी। अब उसके अलावा वही बात, जो जज़म साकिन है वो साकिन बरकरार रहेंगे, और जो साकिन नहीं है जिन पर कोई भी हरकत है इसके अलावा, उनकी हरकत को जबर में बदल दिया जाएगा, जैसे युअल्लिमु से युअल्लमु, युहासिबु से युहासबु, युस्लिमु से युस्लमु, यख्तलिफु से युख्तलफु, यस्तगफिरु से युस्तगफरु। आई होप मैंने पूरा रिवाइज कर दिया। Excuse me, sir. जी। अगर हरूफ इल्लत वाले जो है उनकी भी एक एक एग्जाम्पल करके बता दीजिए प्लीज। अच्छा, हरूफ इल्लत वालों में हम देखें तो हरूफ इल्लत में जिनके आखिर में, जिनका हरफ इल्लत आखिर में आता है, मसलन दा और हदा और खशिया, तीन तरह के हमने पढ़े हैं, तो हम इसके असल और ओरिजिन की तरफ जाएंगे। दा असल में दावा, हदा असल में हदाया, और खशिया खशिया ही है असल भी। और अब हमने इस पर वही रूल अप्लाई करना है कि पहले पर पेश, आखिरी की हरकत वाव जबर है तो जबर बरकरार रहेगी, और सेकंड लास्ट के नीचे जेर आ जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह हदा है तो इसके अंदर भी शुरू में पेश, सेकंड लास्ट के नीचे जेर, और इस पर जबर आ जाएगी। वो उसकी था, मजीद फी का मुजारे था। और ये खुशी। ठीक है जी। अब इसमें जो है ना वो मजहूल के अंदर जब जाएंगे तो हदा से हुदिया ही हमें मिलेगा और खशिया से खुशिया ही मिलेगा। सिर्फ इसके अंदर हमारे पास तब्दीली आएगी कि दुई वा, जेर के बाद वाव पढ़ना मुश्किल है, इसलिए इस वाव को या से बदल दिया जाएगा और इसको हम पढ़ते हैं दुईया। दा से दुईया, हदा से हुदिया, खशिया से खुशिया। ठीक हो गया।
और इसका मुजारे को अगर हम लें, जी कोई सवाल तो नहीं है? नो सर। जी मुजारे में अगर हम जाएं तो मुजारे बनेगा दा से यदरू और यहदी और यख्शा, और इनका हम अगर ओरिजिन ले लें तो ये बनेगा यदरूवू और ये बनेगा यहदीयू और ये बनेगा यख्शायू। ठीक है जी। अब इसमें वही रूल अप्लाई होगा कि पहले पर पेश और जो साकिन है वो साकिन ही रहेगा और आखिरी हर्फ की हरकत को चेंज नहीं करेंगे और उससे पहले वाला जो है उस पर सेकंड लास्ट वाले पर जबर आ जाएगी। यू अब इसके अंदर बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, सिर्फ कमजोर हर्फ के ऊपर तब्दीली आएगी। अब यहाँ पर सब के अंदर कमजोर हर्फ से पहले जबर आ रही है, युद्धावु युहदायु युख्शायु। तो अब यहाँ पर जो है वो रूल अप्लाई करेंगे। देखें ऊपर वाले पे हमने नहीं किया, यहाँ पर हमने ये वाला रूल अप्लाई नहीं किया माजी में, यहाँ पर भी आ रही थी कमजोर हर्फ पर जबर आ रही थी तो उसको हमने नहीं चेंज किया कि कमजोर हर्फ हरकत मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि अरब ये कहते हैं कि जबर जो है वो सबसे हल्की हरकत है, इसको पढ़ना मुमकिन है, इसका पढ़ना मुश्किल नहीं है बहुत ज्यादा, इसलिए जबर को वो बाज़ुकात बर्दाश्त कर लेते हैं कमजोर हरूफ के ऊपर। लेकिन इसके अलावा के जो हरकत हैं वो जो है वो कमजोर हरूफ के ऊपर वो बर्दाश्त करना उनके लिए पढ़ना ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ अब सब मैं वाओ पर या पर दोनों जगह में, वाओ पर भी और दोनों जगह पर या में कमजोर हरूफ के ऊपर पेश आ रही है। तो अरब के नजदीक कमजोर हरूफ के ऊपर पेश पढ़ना मुश्किल है, इसलिए वो इस पेश को ड्रॉप कर देते हैं दोनों की। अब जब ये पेश ड्रॉप हो जाती है तो उसके बाद फिर ये जो पीछे वाली कमजोर हर्फ से पीछे वाला सेहतमंद हर्फ है उसकी हरकत जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग होने की तरफ का फायदा उठाते हुए बाद वाले कमजोर हर्फ को अपनी मुताबिकत से जिसके जरिए उसको पढ़ना आसान हो उस हरूफ हर्फ कमजोर हर्फ में बदल लेगी। तो जबर के बाद अलिफ बेहतर है पढ़ने में आसान है, तो ये बन गया हमारे पास युद्धा, यहदी से ये बन गया युद्धा और यख्शा से ये बन गया ठीक है जी। इस तरीके से बने और यही सेम रूल्स अप्लाई होंगे मजीद फी के अंदर भी। ठीक है जी। और ये वाला मेरा ख्याल है ये जो आखिर में कमजोर हर्फ होता है इस वाला सबसे ज्यादा जो है ना थोड़ा सा मुश्किल वाला है, दरमियान वाला और शुरू वाला जो है वो उसमें इतनी परेशानी नहीं है। वो हमने पढ़ा है वहाबा तो उसका सीधा सीधा बन जाएगा वुहिबा, कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। और हमने पढ़ा है जो है वो काला, काला का स्पेशल केस है, इसका जब मजहूल बनाएंगे तो ये कीला बनता है, उनके लिए पढ़ना आसान है। असल में ये भी उविला ही बना था तो उविला से फिर उन्होंने कहा जी के अगर हम इसकी हरकत को उड़ा देते हैं तो ये कूला बन जाएगा, वो पढ़ना मुश्किल है, लिहाजा हम इसकी हरकत उधार ले लेते हैं काफ के लिए। तो की काफ वाव की जो जेर है ये उठा के काफ को दे दी और फिर इस वाव को या से बदल देते हैं, कहते हैं हमारी आसानी है, जैसे हमें आसान लगेगा हम उस तरह पढ़ेंगे। तो बहरहाल हमें इस जो है वो परेशानी में जाने का कोई इतना वो नहीं है, ना आपसे ये रिक्वायर्ड है ना आपसे ये पूछा जाएगा कि ये खाला से कीला क्यों बना है। हाँ इतना है कि आपको कीला का टेबल आना चाहिए, तो कीला का टेबल सिर्फ दो लफ्ज जो है ना वो आपने चेंज करते हैं, बाकी सारा उसी तरह है जैसे आपने काला का टेबल पढ़ा है। हमने काला का टेबल पढ़ा है काला कालू कुलता कुलतु कुलतुम कुलना। अब इसी को मजहूल में ले आए तो ये बनेगा कीला
قیلو, یہاں پر پھر یہ قلتا نہیں ہوگا, یہ قلتا ہی ہو جائے گا. قیلا قیلو قلتا قلتو قلتم قلنا. تو صرف قیلا اور قیلو اور قیلت ان کو جو ہے وہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ مجھول کے لیے قیلا قیلو اور قیلت ہوگا, باقی سارا ٹیبل ماضی کا وہی رہے گا جو قالا میں تھا یعنی معلوم میں. لیکن ان کا ترجمہ پھر وہ مجھول میں کیا کریں گے اگر اگر آیت کے اعتبار سے ہو تو ایسا ہوگا؟ آیت کے اعتبار سے تو اگر مجھول وہ کانٹیکسٹ سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر اس کا مجھول والا ترجمہ صحیح بنے گا یا معلوم والا, تو وہ پھر ہم مجھول والا ترجمہ کر لیں گے اگر ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے جی, مجھول کا ٹاپک اب ہم کلوز کر سکتے ہیں اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو. اچھا جی, نیکسٹ ٹاپک دیا ہوا ہے جی فعل مضارع کے ساتھ جو ہے وہ حروف کا استعمال. فعل مضارع کے ساتھ جزم والے یعنی چھری والے اور ہتھوڑی والے الفاظ کا استعمال. تو چھری والے کون کون سے ہیں جی؟ لم, لما, وہ ڈال دو کون ڈال لام ہم یا نکال لی ان کوٹیاں الگ کر دی جی ان من ما نا وہ اس میں ڈال دو سوپ لم لما ان کیا بتائی نا ان کے بعد اور تھا جی من اور ایک تھا ما اور ایک لی بھی تھا جو کہ ول فل. ٹھیک ہے جی, یہ سارے وہ ہیں جو اگر فعل مضارع سے پہلے آئیں تو فعل مضارع کے آخر میں جزم آ جاتی ہے. ہم ینصر کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, ینصر لم اگر ینصر سے پہلے آئے گا تو یہ ینصر ہو جائے گا, اسی طرح لما کے ساتھ بھی یہ ینصر ہو جائے گا, ان کے ساتھ بھی یہ ینصر ہو جائے گا, من وغیرہ کے ساتھ بھی ینصر ہو جائے گا. اور اس کے مقابلے میں ہتھوڑی والے الفاظ کون سے تھے؟ وہ تھا لن ان لن لن اور لی جو تاکہ کا معنی دے رہا ہو لام حتا حتا لام الامر لام الامر دو جو ہے وہ جزم میں آئے گا نا جی جی وہ جزم میں آئے گا. تو یہ والے جب فعل مضارع کے ساتھ آئیں گے ان لن اور لی اور حتا تو یہ کیا کریں گے؟ اسی ینصر کو ہی اگر ہم لیں تو یہ آئے گا این ینصرا لین ینصرا لی ینصرا اور حتی ینصرا. ٹھیک ہے جی, اب اس سے جو ہے نا وہ آگے کی چیز ایک سمجھنے کی ہے کہ جزم کتنی صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے. جزم کی صورتیں کتنی ہیں میں یہاں آپ کو بتا رہا ہوں. جزم کی صورتیں نمبر ایک, یہ اس جزم کے نشان کے ساتھ جیسے اس طرح سے ہے یا یوں نشان ہوگا, جزم کا نشان ہوگا. نمبر دو, اگر کمزور حرف والا فعل ہے تو کمزور حرف گر جائے گا. اور نمبر تین, تثنیہ لجمع کا نون گر جائے گا.
जज़म की ये तीन सूरतें हैं, फेल में, फेल में जज़म की ये तीन सूरतें हैं। अब इस पहले वाले की मिसाल हम लें तो यनसुरु ही को ले लेते हैं, असल में यनसुरु था तो जज़म का निशान आ गया ये यनसुर हो गया, कमज़ोर हर्फ गिर गया तो यदउ था, तो हम जब कहते हैं लम के साथ तो कमज़ोर हर्फ आखिर से गिर जाएगा लम यदउ, और तस्निया जमा का नून ये कमज़ोर हर्फ और बग़ैर कमज़ोर हर्फ दोनों में ऐसा ही होगा, यनसुरूना है तो ये बन जाएगा लम यनसुरू, और नून ड्रॉप होने की वजह से पहचान के लिए एक अलिफ आखिर में आ जाएगा। इसी तरह अगर कमज़ोर हर्फ वाला है तो उसमें भी लम यदरू, अब यदरू ये वाहिद है या जमा है तो जमा की पहचान के लिए आखिर में अलिफ आ जाएगा, लम यनसुरू लम यदरू ये जमा हो गए। तस्निया की मिसाल अगर लें तो ये होगा लम यनसुरा अलिफ, इसका बाकी रहेगा तस्निया वाला, और इसी तरह लम यदरुआ। तो जज़म की तीन सूरतें हो गई, एक जज़म का निशान, दूसरा कमज़ोर हर्फ का गिर जाना, और तीसरा तस्निया या जमा का नून गिर जाना। जज़म तीन सूरतों में ज़ाहिर होती है आपको, मतलब आगे चल के इस कोर्स में इस तरह का सवाल नहीं होगा, लेकिन आगे चल के आपको मिसाल के तौर पर ये कहा जाए कि आपको एक लफ्ज़ दिया गया है लम यफ्ताह। अब इसमें जो है वो आपसे एक सवाल हो कि बताइए कि यहाँ पर फेल मुजारे क्या है, तो ये जो फेल मुजारे है ये क्या है, रफा की हालत में है या नसब वाली हालत में है या जज़म वाली हालत में है। रफा कहते हैं हालत, नसब कहते हैं जिसके आखिर में जबर आ गई है, और जज़म कहते हैं जिसके आखिर में जज़म आ गई है, तो यहाँ ये कौन सी हालत है, जज़म वाली, जज़म वाली हालत। अच्छा, दूसरा सवाल हो गया कि ये जज़म वाली हालत क्यों हुई है, इसकी असल में तो यफ्ताहू था, क्या वजह हुई है कि ये जज़म में आ गया है। जी, इससे पहले कोई हर्फ ऐसा है लम आ गया है, तो लम की वजह से ये जज़म आ गई है इसकी। अच्छा, अब तीसरा सवाल है कि यहाँ पर जज़म का इंडिकेशन क्या है, हमें कैसे पता चल रहा है कि इसके आखिर में जज़म है, तो जज़म की अलामत क्या है, निशान, ये सुकून का निशान, जज़म की अलामत सुकून। तो इस तरीके से हम जब आगे चलेंगे क्यूसी 5, 6 और 7 में खास तौर पे, तो हम इस तरीके से लफ्जों को, फेलों को पहचानेंगे कि ये फेल रफा की हालत में है या असली हालत में है, और नसब की हालत में है यानी जबर वाली हालत में है, और जज़म वाली हालत में है। तो पहले हालत पहचानेंगे, फिर दूसरा सवाल होगा कि ये हालत इसकी क्यों हुई है, रफा वाली में तो हम ये सवाल नहीं करेंगे, वो असली हालत है, लेकिन नसब यानी जबर और जज़म वाली हालत पे सवाल होगा कि यहाँ पर नसब क्यों है, यहाँ पे जज़म क्यों है, और तीसरा सवाल होगा कि अगर नसब है तो नसब की क्या अलामत नज़र आ रही है, और अगर जज़म है तो जज़म की क्या अलामत नज़र आ रही है। ये बात समझ गए जी सर। और इसी तरह उसके बाद जो नसब है, तो नसब की अलामतें जो है वो कितनी होंगी, नसब यानी जबर वाली हालत जो है वो उसकी सूरतें, नंबर एक आखिर में जबर आ जाएगी, नंबर दो तस्निया और जमा का नून गिर जाएगा, इसमें कमजोर हर्फ गिरने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, नसब वाली सूरत के जो पहचान है वो दो तरीकों से हो सकेगी, या तो आखिर में जबर होगी और या तस्निया और जमा है तो उनका नून नहीं होगा। कमजोर हर्फ वाला जो है उसके आखिर में कमजोर हर्फ के ऊपर ही जबर मौजूद होगी, मसलन आखिर में जबर सेहतमंद फेल को अगर देखें तो हम ले लेते हैं यद्रिबू, तो यद्रिबू से ये बन जाएगा यद रिबा, हमने पढ़ा है इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यद रिबा,
ठीक है, शुरू में अन था, अन के साथ हमने पढ़ा ऐं यद्रिबा जबर के साथ, जरा जो है वो एक्सक्यूज मी सर, वो शुरू में जो लिखते हैं ना वो हमें नजर नहीं आता, अभी जो आपने लिखा है ना वो हमें नजर नहीं आ रहा। अन अन लिखा है मैंने, अन ठीक है सर। यद्रिबा नजर आ रहा है? नो सर, वो भी उसका सिर्फ बा नजर आ रहा है। उसकी क्या वजह? ये वो सर पिक्चर वो आती है। अच्छा चले सर, अगर वो पिक्चर को मिनिमाइज कर देना तो फिर पूरा बोर्ड नजर आ रहा है। हाँ ये भी है, आप पिक्चर को छोटा कर लें तो वो हो जाएगा। ये अन और यद्रिबा जबर के साथ आ गया, और इसी में कमजोर हर्फ वाला लें तो अन के साथ यदरू ले लें, तो यद आइन पर पेश और ये वाव पर जबर आ जाए, यहाँ पर कमजोर हर्फ नहीं जाएगा। ये पहचान याद रखनी है अच्छे तरीके से कि जज़्म में, जज़्म की तीन सूरतें हो सकती हैं, आखिर में सुकून का निशान आ जाए, जज़्म का निशान आ जाए, या कमजोर हर्फ गिर जाए, और या तस्निया या जमा का नून गिर जाए। जबकि नसब की दो ही सूरतें हैं कि आखिर में जबर आ जाएगी या आखिर में से तस्निया और जमा का नून गिर जाएगा, इसमें कमजोर हर्फ नहीं गिरेगा। और तस्निया और जमा का नून गिरने में यज़रिबू की जमा ले लें तो ऐं यद्रिबू आ जाएगा, ऐं यद्रिबू आखिर में अलिफ आ जाएगी, और इसी तरह ऐं यद्रू आखिर में अलिफ आ जाएगी। तो ये नसब और जर की फेल की, नसब और जज़्म की फेल की हालतें भी आई होप कि अब क्लियर है। इसमें मजीद कोई सवाल अगर है तो ये तो पढ़े उसी सेवन वगैरह में ना सर, इस बार तो नहीं आएंगे ना ये? अरे ये अभी हम पढ़ चुके हैं इतनी ज्यादा प्रैक्टिस डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये वाला सवाल आपसे नहीं किया जाएगा कि यहाँ पर ये नसब की हालत में क्यों है और इसकी पहचान क्या है, इस तरीके से नहीं होगा। हाँ इस तरह से हो सकता है कि आपको कहा जाए कि ये जो है वो यज़रिबु है, इससे आप जो है ना वो लन के साथ फेल की गिरदान मुकम्मल करें, टेबल मुकम्मल करें। तो यज़रिबु दिया हुआ है आपने, लन यज़रिबा लन यज़रिबु, वो टेबल मुकम्मल करना होगा, ये सवाल होगा। ये तो फेयर आई थिंक जी, ठीक है, इस तरह का होगा। बाकी आपसे रूल्स के बारे में उस तरह कैसे सवाल नहीं होगा कि ये कैसे कैसे आ सकता है, क्यों क्यों आ सकता है, या जबर की नसब की कितनी सूरतें हो सकती हैं, ये आप सही कह रहे हैं, ये अगले लेवल के सवाल हैं। लेकिन अभी से अगर जहन में होंगे तो उस वक्त तक जो है ना वो अच्छा जहन में बैठ जाएगा। तो सर एक सवाल जी, आखिरी दो तीन सवाल रह गए हैं मेरे पास जो लिखे हुए हैं सर, इससे रिलेटेड एक सवाल पूछना था सर। जी सर, जी सर प्लीज। मैं ये पूछ रहा था कि हम हमेशा मुजारे पे क्यों देखते हैं, माजी पे क्यों नहीं देखते? अच्छा देखें, माजी जो है ना आप अपने पास्ट को चेंज कर सकते हैं। अच्छा नहीं, आपका जो पास्ट गया है, गुजर चुका है, आप उसको चेंज तो नहीं कर सकते जी। तो ऐसे ही फेल के अंदर भी, अरबी के अंदर जो कहते हैं जो गुजर चुका है उसको तो चेंज आप कर ही नहीं सकते, लिहाजा वो जो हो गया बस वो उसी तरह रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली आप कर सकते हैं या अभी प्रेजेंट में या फ्यूचर में, आपके हाथ में है कि आप तब्दीली कोई कर लें, यानी प्रैक्टिकली भी आप जो कोई चेंज करना चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, वो या प्रेजेंट में कर सकते हैं या फ्यूचर में। तो इसलिए वो प्रेजेंट पास्ट जो है माजी, उसमें कोई चेंज आता ही नहीं है, वो हमेशा सेम ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी कभी भी। जबकि मुदारे के अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर की बात होती है तो इसमें चेंज आएंगे। ठीक है सर, तो अब आगे की जो दो तीन सवाल हैं मुख्तसर से छोटे छोटे, वो करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग एक ब्रेक ले लें, मैं भी ले लूं, और हम नमाज भी पढ़ लेते हैं, और नमाज के बाद हम 7:25 पे
दोबारा आ जाते हैं 7:25 पे यहीं से आगे, जो मेरे पास 2-3 सवाल लिखे हुए हैं मैं वो एड्रेस कर लूंगा, उसके बाद आपका कोई और सवाल हो तो हम उसको देख लेंगे। ठीक है जी? जी ठीक है सर। ओके जी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام अच्छा जी हम बात कर रहे थे हम फेले मजहूल का इआदा कर चुके हैं फेले हसीबा की गिरदान और फेले मुदारे के साथ अन हत्ता कम लम्मा वगैरह का इस्तेमाल भी हम कर चुके हैं। अगला सवाल जो मेरे पास आया हुआ था वो है जन्ना यजुन्नु में जब फेले अमर आता है तो फेले अमर के साथ आखिर में जुन्ना आया हुआ है। फेले अमर जन्ना या जुन्नु से आप लोगों को बोर्ड नजर आ रहा है? अगर क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आई होप के स्क्रीन में आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा बड़ा। मुझे तो क्लियर है सर। सही। हमने टेबल पढ़ा है जन्ना या जुन्नु और इससे अमर हमने पढ़ा है जुन्ना। ये जो जुन्ना है इसको दोनों तरह से लिखा जा सकता है। नसारा का पैटर्न है तो नसारा से अमर बनता है उनसुर। नसारा से उनसुर बनता है तो इसी तरह जुन्ना से अगर हम इसको बनाना चाहें तो ये उज़्नुन बनेगा। उज़्नुन तो उज़्नुन भी ठीक है और जुन्ना भी ठीक है। अब ये उज़्नुन में तो नून के आखिर में जज़्म आ गई है लेकिन जुन्ना में आखिर पे जबर है। ये कंफ्यूज कर रही है कि अमर के आखिर पे तो जज़्म होती है यहाँ पर क्यों नहीं है। तो आइए उसको देखते हैं कि ये कैसे हुआ। तो इसमें ऐसा है कि ये उज़्नुन था तो उज़्नुन में क्या था कि शुरू में पेश फिर साकिन फिर नून पर पेश और दूसरे नून पर जज़्म। अब दो नून इकट्ठे आगे तो एक जैसे हुरूफ आए हैं तो एक जैसे हुरूफ जब आते हैं तो हम इनको मर्ज कर देते हैं। मर्ज करते वक्त अब ये जो हरकत थी पहले नून की इसको हमने कहीं आगे पीछे करना है तो हमने ये देखा कि इसके जो पीछे वाला हर्फ है वो साकिन है तो हमने ये उठाकर यहाँ लगा दी। उस नून में से जो पहले नून की पेश थी इसको हमने यहां से उठाकर ज़ा के ऊपर लगा दिया और अब ये भी साकिन। और शुरू में जो हमजा हमने ऐड किया था ये मजबूरी की वजह से ऐड कर रहे थे हम। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि ये यन शुरू से जो अमर बनाया था तन शुरू से तो हमने बात की थी कि अमर बनाने के लिए रूल ये है कि शुरू से जो ता है इसको उड़ा दें और आखिर वाले जो हरकत है उसको उड़ाकर उस पर जज़्म लगा दें। तो अब ये बन रहा था सुर। नून साकिन था और इब्तिदा के अंदर जो पहला हर्फ था वही बगैर हरकत वाला आ रहा था। ये पढ़ना मुश्किल था। इस मुश्किल से बचने के लिए हमने एक अलिफ हमजा ऐड कर दिया था तो ये उनसुर बना था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी जगह पर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर ये वाली मजबूरी ना आ रही हो यानी इब्तिदा के अंदर जो है वो सुकून ना हो तो फिर हमजा लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने वादा और वहाबा वाले टेबल में पढ़ा था कि ये ताहबू से अमर बन रहा था तो शुरू से ता को हमने ड्रॉप किया और आखिर में बाकी जो पेश थी उसको हमने जज़्म में बदल दिया। तो यहाँ पर अब
हाँ शुरू में आ रही है जिस पर ऑलरेडी जबर मौजूद है, हमें उस जबर को हटाने की जरूरत नहीं थी, लिहाजा हमने उसके लिए हमें हमजा लगाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने वहां पर हमजा नहीं ऐड किया था। तो हब हमने अमर पढ़ा था हब। इसी तरह यहाँ पर अब अगर देखें तो उस नून में से अगर नून की पेश वा पर शिफ्ट करेंगे तो वो जो मजबूरी हमजा वाली थी वो खत्म हो गई, शुरू में पेश आ गई। तो जब ये शुरू में पेश आ गई तो अब ये रह गया हमारे पास नून, ये दो नून आ गए। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं था तो दो साकिन हरूफ इकट्ठे आना अरबों के लिए ये पढ़ना भी मुश्किल है। दो साकिन हरूफ इकट्ठे आ जाएं तो उनके लिए पढ़ना भी ये मुश्किल है, लिहाजा उस मुश्किल से बचने के लिए फेल के आखिर में जेर लाना जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए जेर की बजाय उन्होंने कहा कि हम जबर लगा देते हैं, जुन्ना बन गया इस तरीके से ये, ठीक है जी। और इसको अगर हम ये मर्ज होने की वजह से जुन्ना है, अगर इसको हम मर्ज नहीं करेंगे तो ये उज़्नुन, तो ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, जुन्ना भी सही है और उज़्नुन भी ठीक है। अगर किसी मौके पर आपको इस तरीके से क्विज दिया जाए या होमवर्क के आपने लिखना हो तो आप अगर अमर में जुन्ना लिखेंगे तो वो भी दुरुस्त होगा, उज़्नुन लिखें तो भी दुरुस्त होगा, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई होप क्लियर है। ठीक है जी, आगे चलूं मैं। उसके बाद अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि फेल लाजिम और फेल मुतादी को हम कैसे पहचानेंगे। फेल लाजिम और फेल मुतादी की पहचान का एक सादा तरीका यह है कि हमने जितने भी फेल पढ़े हैं उसका जब हम तर्जमा और ट्रांसलेशन करते हैं तो वहां पर जो है वो उसी से हमें पता चल जाता है कि ये लाजिम है या मुतादी है। मसलन हमने फेल पढ़ा नसारा, नसारा का माना है उसने मदद की। अब सवाल पैदा होता है कि उसने मदद की है तो किसकी मदद की, क्वेश्चन बाकी है। तो जिसके सवाल के जवाब में किसकी या किसको या किस पर जो है वो आ सकता है तो वो सारे जो है वो फेल मुतअद्दी कहलाएंगे। मुतअद्दी का माना यह है कि जिसका असर दूसरे तक जाए। तो कोई ऐसा फेल हमें ट्रांसलेशन से पता चल जाएगा कि इस फेल का असर किसी दूसरे तक जा रहा है। मसलन नसारा था, नसारा उसने मदद की, तो अब सवाल आया किसने की, पहला सवाल आएगा नसारा मदद की। किसने की तो हम कह देते हैं जईदुन, जईद ने की। किसकी मदद की, खालिद, खालिद की मदद की। तो अब नसारा में नसारा फेल था और जैद जो है वो काम करने वाला और खालिद वो था जिस पर काम का असर पड़ा है। तो जिसके फेल के साथ असर पड़ने वाला डायरेक्ट आ रहा हो ऐसे तमाम अफाल फेल मुतादी कहलाएंगे। हम थोड़ा सा क्विकली देख लेते हैं जो हमने टेबल्स पढ़े हैं उसके अंदर जो हम उसको चेक करेंगे कौन कौन से अफाल ऐसे हैं कि जो मुतादी वाले कैटेगरी में आते हैं। मुतादी वाली कैटेगरी में आने वाले अफाल तकरीबन हमारे सारे ही हैं जो हमने पढ़े। हमने पढ़ा फतहा, ये भी मुतादी है, ये मैं ऊपर लिख रहा हूं मीम, ये मुतादी है। इसी तरह हमने पढ़ा नसारा और फतह के साथ जो दूसरा हमने पढ़ा था वो था जाला, ये भी मुतअद्दी है। नसरा भी मुतअद्दी, नसरा के साथ हमने पढ़ा रज़ाका, इसमें भी यही है उसने रिस्क दिया। तो सवाल पैदा होता है किसको रिस्क दिया, तो ये भी मुतअद्दी होगा। इसी तरह रज़ाका के साथ हमने पढ़ा अबादा, उसने इबादत की, तो किसकी इबादत की, यहां भी सवाल बाकी है। इसी तरह हमने पढ़ा और क्या पढ़ा था, इसमें जकारा पढ़ा था,
QC1 में, तो इन सब के साथ जो है वो असर वाले फेल की क्वेश्चन, असर वाले का क्वेश्चन बाकी रहने की गुंजाइश मौजूद है। तो जिसका असर कबूल करने वाला डायरेक्ट कोई हो वो सारे के सारे फेल मुतादी कहलाते हैं। इसी तरह उसके बाद हमने पढ़ा था दौराबा, उसने मारा तो किसको मारा, ये भी मुतादी में आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा समीआ, उसने सुना तो क्या सुना, इस चीज को सुना, तो ये भी मुतादी में आ जाएगा। हलीमा, उसने जाना, क्या जाना, ये भी जो है वो असर कबूल करने वाला है। फिर हमने पढ़ा था आमीला, उसने अमल किया, फिर सवाल पैदा होता है कि क्या अमल किया। तो मोस्टली अफाल जो है वो मुतादी ही होते हैं, ठीक है। उसके मुकाबले में फेल जो लाजिम है, लाजिम वो है कि जिसके लिए काम करने वाले का अगर हमें पता चल जाए तो बात पूरी हो जाए, उसके लिए हमें जो है वो किसी असर वाले की जरूरत ना रहे। वो कौन से हैं उसको अगर हम देखें तो फिर लाजिम, लाजिम का माना जिसका काम हो और काम करने वाला हो, जिस पर काम का असर हुआ है उसके बगैर भी बात को समझा जा सकता हो। मसलन ज़हबा, वो गया, नज़ला, वो उतरा, खराजा, वो निकला, ठीक है। मजीद फी में अगर आ जाए तो हमने पढ़ा था तदब्बरा, उसने गौर किया, खुद गौर करना, जो काम खुद से किया जाए उसमें। इसी तरह इनकलाबा हमने पढ़ा, वो पलटा, तो ऐसे फेल जिनके लिए काम करने वाले से बात पूरी समझ में आ जाए, मफहूम समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, वो फेल लाजिम कहलाते हैं। और जहां काम करने वाले के साथ काम का असर कबूल करने वाले की भी जरूरत हो उन अफाल को फेले मुतादी कहा जाता है, ठीक है जी। जी सर, उसमें फ़ईल का वजन के ऊपर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, तो अब फिर ये बात जो है वो आई होप के क्लियर हो गई है कि माना को देखते हुए अगर वो फेल लाजिम है यानी सिर्फ काम करने वाले पर बात पूरी हो रही है तो उससे अगर फ़ईल आएगा तो वो सिफत होगी, और अगर मुतादी से आ रहा है तो फिर वो फाइल जो है वो मुबालगा का होगा, ठीक है जी। मसलन था आजुमा, आजुमा का माना वो बड़ा हुआ, तो आजुमा से जब आजीम आएगा तो ये फेल लाजिम से आ रहा है तो ये सिफत होगी। लेकिन समीआ, उसने सुना, इससे जब फाइल आ रहा होगा समीए तो फिर ये मुबालगा होगा, फिर ये सिफत नहीं होगी, ठीक है जी। बाकी करीम, सर करीम का गान, करीम भी जो है वो सिफत में आएगा, ठीक है जी। शरीफ भी सिफत में आएगा। करीम बुक में सर दोनों में लिखा हुआ है, मुबालगा में भी है और सिफत में भी है। करीम जो है वो करोमा से है इसलिए तो नहीं है सर जी, करोमा से है इसलिए उसको पेज 41 पेज 41 करीम जो है वो सिर्फ सिफत में लिखा हुआ है, मुबालगा में तो नहीं है करीम। मेरे पास जो बुक है उसमें करीम सिफत में है, सिफत के औजान फ़ईल लाजिम, करीम, लतीफ, हकीम, और मुबालगा के अंदर जो फ़ईल है वहां पर सिर्फ रहीम और समीह लिखा हुआ है। जी सर, रहीम, रहीम सर, रहीम, रहीम, रहीम आया, उसने रहम किया, किस पर रहम किया,
सवाल बाकी है ना, तो इससे जब आएगा तो फिर ये मुबालगा में आएगा, रहीम मुबालगा होगा। लेकिन इन सब के ऊपर एक जो है वो उसूल ये है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए ये इस्तेमाल किए जाएंगे फ़ाइल वगैरह के औजार, तो सिफत के अंदर मफहूम वसत से होता है। सिफत ये है कि जब से जो वो मौजूद है जिसकी सिफत बयान कर रहे हैं उस वक्त से सिफत भी मौजूद है, और मुबालगा के अंदर ये है कि किसी एक उसके अंदर सिफत है लेकिन उसके अंदर उसकी ज्यादती, कोई काम करने की ज्यादती पाई जा रही है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में कोई इब्तिदा और इंतहा नहीं है, इसलिए जब ये सारे अस्मा रहीम करीम अजीम समीर वगैरह अल्लाह के लिए इस्तेमाल होते हैं तो इसको एज ए सिफत यूज किया जाता है। इसको मतलब अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, वल्लाहु समीउन अलीमुन हो, तो आप ग्रामर के रूल्स के मुताबिक देखें तो समीउन मुबालगा है, लेकिन चूंकि अल्लाह की जात के साथ है तो अल्लाह मुबालगा के अंदर एक हद में मौजूद है, मुबालगा में एक हद मौजूद है, कंपैरिजन के साथ होगी कि ये करने वाला है, ये ज्यादा करने वाला है, ये बहुत ज्यादा करने वाला है, लेकिन उस बहुत ज्यादा की भी कोई ना कोई हद मौजूद है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात की चूंकि कोई हद नहीं है, इसलिए जब ये सारी सिफात अल्लाह के लिए इस्तेमाल होती हैं समीह रहीम करीम, तो उस वक्त उनको सिफत में शामिल किया जाता है। लेकिन आपके सामने अगर सवाल आ गया है कहीं क्विज में आ गया, होमवर्क में आ गया या किसी जगह पर, और वहां पर आपसे पूछा गया है, तो वहां पर जो है वो अगर सिर्फ अल्फाज लिखे हुए हैं, मसलन इनमें से मुबालगा और सिफत के अल्फाज अलग करें, तो सिफत के अल्फाज में आप समीह को सिफत के अल्फाज में वहां नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां पर वो किसी के साथ रिलेट नहीं किया जा रहा, वो जस्ट एक लफ्ज है समीह। तो अकेला समीह जब होगा तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह के अलावा जनरल यूज किया जा रहा है, तो उस वक्त समीह को हम जो है वो मुबालगा में लेंगे। लेकिन अगर अल्लाह समीउन होगा तो फिर उस वक्त समीह को हम सिफत कहेंगे, ठीक है जी। और आपको इस तरह की कंफ्यूजन में नहीं डाला जाएगा कि अल्लाह के साथ मनसूब करके समीउन दिया जाए, बल्कि अगर दिया भी गया तो सिंपल इस्म दे दिया जाएगा कि ये इस्म है, इसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे, मुबालगा में रखेंगे या सिफत में रखेंगे। और रहीम को हम सर दोनों में रखेंगे फिर, किसको? रहीम, रहीम देखें, रहीम सिर्फ मुबालगा में आएगा ना, रहीमा का माना उसने रहम किया, अब सवाल पैदा होता है किस पर रहम किया, रहीमा जैदुन खालिदन, जैद ने खालिद पर रहम किया, तो ये मुतादी में आता है, तो इससे जो रहीम आएगा वो सिर्फ मुबालगा में जाएगा। अगर इसके साथ अल्लाहु रहीमुन हो तो फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये सिफत में है, लेकिन ऐसी कंफ्यूजन वाले सवाल आपको नहीं देंगे अभी, ये हम जाएंगे जब किसी सेवन में तो वहां पर फिर हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे कि अब यहाँ पर ये अल्लाह के लिए आ रहा है तो ये मुबालगा होगा या सिफत होगा। जनरली हम देंगे जब, तो उस वक्त रहीम मुबालगा ही है, सिफत नहीं है। ठीक है जी। और एक आखिरी सवाल जो मेरे पास लिखा हुआ है कि लाम जेर के साथ फेले मुजारे से पहले आता है और वो फेले मुजारे को मजजूम भी कर देता है, यानी जज़्म भी आ जाती है और जबर वाला भी बना देता है फेले मुजारे को, तो इसको कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर ये जज़्म वाला है या नसब जबर वाला है, तो उसके लिए भी हमें तर्जुमे की तरफ जाना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। ली प्लस यन शुरू, अब ये ली यन सुर भी हो सकता है और ली यन सुरा भी हो सकता है, दोनों दुरुस्त हैं लेकिन माने में फर्क है। ली यन सुर का माना है उसे मदद करनी चाहिए और लियन सोरा का माना है ताकि वो मदद करे। अभी हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि इससे पीछे जो अल्फाज आए हैं वो क्या चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं इससे पहले कहता हूं
खराजा, खालिद, खालिद निकला, ली अंसुरा, खालिद निकला ताकि वो मदद करे। अब यहां पर खालिद निकला उसे मदद करनी चाहिए, ये कोई जुमला बनेगा नहीं। खालिद खराजा, खालिद लियंसुर, खालिद निकला और उसे, खालिद निकला उसे मदद करनी चाहिए, ये जुमला दुरुस्त नहीं बनेगा उर्दू के हिसाब से भी, मुहावरे के हिसाब से भी, तर्जुमे के लिहाज से भी। तब ये कॉन्टेक्स्ट हमें बता रहा है कि यहाँ पर ली जो है वो ताके वाला आ रहा है जो आखिर में जबर देगा। खालिद निकला ताके वो मदद करे, ठीक है जी। और अगर ये सिंपल लिखा हुआ है कि लियंसुर खालिदन, उसे खालिद की मदद करनी चाहिए। अब लियंसुरा खालिदन जो है वो इससे पीछे वाले के साथ कनेक्टेड होगा, पीछे वाले को देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि ये जबर लेगा या नहीं लेगा, ठीक है जी। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ही हमें बता सकता है सही तरीके से कि कहाँ पर ये आया हुआ है और इसके आगे पीछे क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, तर्जमा और मफहूम को देखेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि लाम जो जेर वाला है ये फेल मुजारे के आखिर में जबर लगाएगा या फेल मुजारे के आखिर में जजम लगाएगा। आप लोगों के सवाल में अगर कहीं क्विज में आता है तो आप लोगों के सवाल में ज्यादा से ज्यादा सवाल इस तरह से आ जाएगा, मसलन ये जुमला मैंने लिखा है खराजा खालिदुन लियंसुरा, तो आपको जो है वो ये सवाल दिया जा सकता है कि इसके लियंसुरा के शुरू में जो ली है इसका माना क्या है। आपके सामने जबर वाला आ गया है, अब आपके लिए इसका माना पहचानना आसान है। तो ये ली का माना जो जबर दे रहा है उसका माना है ताके, ठीक है। और लियंसुर में जो लाम है इस ली का माना क्या है, चाहिए के। आपको सवाल फिलहाल हम इस तरह के ही देंगे क्विज के अंदर, आपसे इस तरह का जो है ना वो एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको एक विदाउट आखिरी हरकत के कोई फेल दे दिया जाए और ऐसा जो कि कंफ्यूज करने वाला है। लम और जो है वो फल और वल में तो कंफर्म है कि वो जजम देगा, लेकिन ली चूंकि दोनों जगह पर आ रहा है इसलिए ऐसा कोई सवाल इंशाल्लाह आप लोगों के क्विज में नहीं आएगा जिसकी वजह से आपको ये परेशानी हो, ठीक है जी। अब मेरे पास जो सवाल आए थे वो तो हो गए पूरे, इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझे बताएं, फिर उस पर बात करनी है। थैंक यू सर जी। अगर कोई और सवाल नहीं है तो फिर हम आपको जो है वो छुट्टी कर लेते हैं और आप लोग जो है वो इसकी मजीद प्रैक्टिस कीजिए, टेबल्स को जो जितने भी आए हुए हैं उन टेबल्स को पहचाने समझें। और बाकी एक चीज और समझ लें कि हमने पढ़े थे मकान, मकान के सीगे हमने पढ़े थे, मकान में हमने तीन वजन पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था मफाल, एक हमने पढ़ा था मफ़इल और एक हमने पढ़ा था मफालतुन। तो मफाल अगर फेल मुजारे में जेर आ रही है, फेल मुजारे में जेर आती है सिर्फ जो टेबल हमने पढ़े हैं वो दौराबा वाले टेबल्स में, दौराबा यद्रिबू वाले टेबल्स में फेल मुजारे में जेर आ रही है, तो अगर फेल मुजारे में जेर आ रही हो तो उसका जो मकान वाला लफ्ज बनेगा वो भी जेर वाला बनेगा, मफ़ईलुन, मद्रिबुन, मजलिसुन, मौईदुन, ठीक है जी। और अगर फेल मुजारे में जेर नहीं है, जबर या पेश, तो दोनों सूरतों में फेल मुजारे के जबर हो या फेल मुजारे में पेश हो, दोनों सूरतों में जो मकान वाला लफ्ज बनेगा वो मफ़ाल के वजन पर बनेगा, दखला यदखुलू से मदखल और खराजा यखरुजू से मखरज, और इसी तरह फताहा यफ्तहु जबर है तो फेल मकान में भी जबर आएगी मफ्ता। तो जबर और पेश हो अगर फेल मुजारे में तो दोनों सूरतों में इसम मकान जबर वाला आएगा मफाल, और अगर जेर हो फेल मुजारे में तो फिर मकान में भी जेर आएगी,
और तीसरी सूरत जो है उसमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि उसके फेल मुजारे में जबर जेर क्या आ रहा है, बल्कि इसके मफहूम को देखा जा रहा है कि अगर वो काम उसके अंदर ज्यादती के साथ हो रहा है, कसरत से हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो वो फिर ता के साथ आएगा मफ़अलतुन, वो मफ़इलतुन नहीं होगा, वो हमेशा मफ़अलतुन ही होगा, चाहे दरसा यदरुसु से मदरसतुन हो और चाहे कतब यक्तुबु से मकतबतुन हो, दोनों सूरतों में वो मफ़अलतुन ही के वजन पर आएगा। ठीक है जी। उसके अलावा हमने तस्निया भी पढ़ा है इसमें, तो तस्निया हमने पढ़ा था हुआ और हुम, तो तस्निया के लिए हमने पढ़ा था हुमा, मुजक्कर के लिए भी हुमा और मोनस के लिए भी हुमा ही था, मुजक्कर के लिए भी हुमा और मोनस के लिए भी हुमा, दोनों सूरतों में हुमा है, और मुखातिब के लिए भी दोनों का अंतुमा, अंता अंतुमा और अंति अंतुमा, दोनों के लिए एक ही है, और मुतकल्लिम जो बोलने वाला है उसके लिए या वाहिद होता है या जमा होता है, उसमें दो के लिए अलग से कोई लफ्ज नहीं है। और मजहूल की हमने प्रैक्टिस कर ली। मोनस के टेबल्स अगर हम एक टेबल हम जो है वो कर लें उससे मुजर्रद से, यानी तीन हरफी अफाल से, और एक हम कर लेते हैं मजीद फी ही से, बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो एक हम कर लेते हैं नसारत से, नसारत से मोनस का टेबल दोहरा लें मेरे साथ साथ दोहराते रहें, नसारत नसरना, नसारत नसरना, नसरती नसरतु, नसरतुन्ना नसरना, और मुजारे में तंसुरु यंसुरना, तंसुरीना अंसुरु, तंसुरना ननसुरु, और अमर में उनसुरी उनसुरना, ला तंसुरी ला तंसुरना। इस्म फाइल मुज़क्कर में नासिर पढ़ा था तो यहाँ आ जाएगा नासिरतुन, और उधर मंसूर पढ़ा था इधर आ जाएगा मंसूरतुन, और मस्तर दोनों में सेम ही होगा नसरुन। ठीक है जी, एक बार फिर कर लें, नसरत नसरना, नसरती नसरतु, नसरतुन्ना नसरना, तंसुरु यंसुरना, तंसुरीना अंसुरु, तंसुरना ननसुरु, उनसुरी उनसुरना, ला तंसुरी ला तंसुरना, नासिरा मंसूरा नसर। ये तीन हरफी फेल था। अब इसी तरीके से बाकी भी आप बना सकते हैं, फतह से फतहत फतहना, फतहती फतहतु फतहतुन्ना फतहना, तफ्तहु यफ्तहना, तफ्तहीना अफ्तहु, तफ्तहना नफ्तहु, इफ्तही इफ्तहना, ला तफ्तही ला तफ्तहना, फातिहा मफ्तूहा फतह। और मजीद फी ही में अगर हम देख लें तो मजीद फी में हमने एक टेबल पढ़ा है असलमा, तो असलमा से इसका हम जब मुअन्नस बनाएंगे तो ये बनेगा असलमत अस्लमना, असलमत अस्लमना, अस्लमती अस्लमतु, अस्लमतुन्ना अस्लमना, तुस्लिमु युस्लिमना, तुस्लिमीना उस्लिमु, तुस्लिमना नुस्लिमु, अस्लिमी अस्लिमना, ला तुस्लिमी ला तुस्लिमना, मुस्लिमा मुस्लमा इस्लाम। एक बार फिर दोहरा लें, असलमत असलमना, असलमती असलमतु, असलमतुन्ना असलमना, तुस्लिमु युस्लिमना, तुस्लिमीना उस्लिमु, तुस्लिमना नुस्लिमु, अस्लिमी असलिमना, ला तुस्लिमी ला तुस्लिमना, मुस्लिमा मुस्लमा इस्लाम। ठीक है जी, ये मेरा ख्याल है अब इसके अलावा कुछ और बचा नहीं है। फिर उसके बाद हमने जो है वो तफजील पढ़ा, तो तफजील जो है वो ये समझ लें कि तफजील सिर्फ तीन हरफी अफाल से बनता है, इसको तफजील सिर्फ
तीन हरफी अफाल से बनता है, मजीद फी से इसमें तफजील नहीं बनता। तो तीन हरफी अफाल से बनता है और चाहे कोई भी टेबल हो, फतहा हो, नसरा हो, दराबा हो, समिया, सबसे एक ही वजन पर बनता है, एक ही साउंड पर बनता है और वो है अफालू। नसरा से भी ये अनसरू बनेगा, फतहा से भी ये अफतहू बनेगा और दराबा से भी ये अदराबू बनेगा, समिया से भी ये असमाहू बनेगा। इसमें कोई तब्दीली नहीं है कि नसरा से हो तो कुछ और होगा, दराबा से हो तो कुछ और होगा, बल्कि सबका एक ही वजन पर आ रहा है, अफालू के वजन पर आएगा सबका इसको तफजील। ठीक हो गया जी। और आखिर में हमने आखिरी दो लेसन में जुमला इस्मिया पढ़ा है। तो जुमला इस्मिया ऐसे जुमले को कहते हैं जो इसम से शुरू हो रहा हो। जुमला इस्मिया ऐसे जुमले को कहते हैं जो इसम से शुरू हो रहा हो। और इसके अंदर जो है वो बिल्कुल सादा जुमला कर लें तो उसके अंदर दो इसम होते हैं। एक सादा जुमला इस्मिया अगर हो तो उसके अंदर दो इसम होते हैं और उन दोनों के अंदर क्या है जी, जुमला इस्मिया, एक सादा जुमला इस्मिया है अल्लाहु गफूरुन, दो इसम हो गए। अब इस पहले इसम को नाम दिया गया है मुबतदा और दूसरे इसम को नाम दिया गया है खबर। अब इनकी क्वालिटीज क्या है कि ये जो पहला होता है ये आमतौर पर जो है वो अलिफ लाम के साथ होगा, अलिफ लाम वाला होगा आमतौर पर। दूसरी बात कि इसके आखिर में पेश होगी, ठीक है जी। ये दो अहम बातें हैं, ये आमतौर पर एक तो अलिफ लाम वाला होगा और दूसरा इस पर पेश होगी। और दूसरे वाला जो है खबर, ये आमतौर पर बगैर अलिफ लाम के होगा, और आखिर में इसके भी पेश होगी या डबल पेश। ये दो मोटी मोटी निशानियां हैं जुमला इस्मिया की। और अगर ये दोनों इस्म हो, क्योंकि हम आगे चलकर इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे तो कुछ तब्दीलियां होंगी, लेकिन एक जो बिल्कुल सिंपल और सादा दो इस्मों से जुमला बन रहा है उसके अंदर फिर इस चीज का भी ख्याल रखा जाएगा कि अगर ये मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर आएगा, अगर ये मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस आएगा, ठीक है जी। सिर्फ एक एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी कि जो जमा मुकस्सर हमने पढ़ी है, जमा मुकस्सर के साथ जब हमने खबर लानी हो तो वो वाहिद मुअन्नस आ जाएगी। जैसे हमने पढ़ा मिसाल अलजिबालु, अलजिबालु की खबर हमने लानी है बड़े हैं, पहाड़ बड़े हैं, तो अलजिबाल की खबर फिर हमने क्या लगाई थी, कबीरतुन, अलजिबालु कबीरतुन, अलबुयूतु कदीमतुन, अलकुतुबु जमीलतुन। तो वो जमा मुकस्सर थी, उसके साथ उसकी खबर वाहिद मुअन्नस आई है। अदरवाइज अगर यहाँ मुजक्कर होगा तो इधर भी मुजक्कर आएगा, अलमुस्लिमु सादिकुन, अलमुमिनु सालिहुन, और अगर जमा होगी तो इधर भी जमा, अलमुस्लिमूना सादिकूना, अलमुमिनूना सालिहूना, अलमुनाफिकूना फासिकूना, ठीक है जी। तो ये जुमला इस्मिया का भी हमारा हो गया, और मुजक्कर मुअन्नस हो अगर तो अलमुमिनतु सालिहतुन, अलमुनाफिकतु फासिकतुन। ये हमने मुजक्कर और मुअन्नस की आखिरी दो लेसन में प्रैक्टिस की थी जुमला इस्मिया के साथ। तो जुमला इस्मिया के एक सादा जुमला इस्मिया जो दो इस्मों से मिलकर बना हुआ हो उसके दो जो है वो अज्जा होते हैं, पहले जुज को मुब्तदा कहेंगे और दूसरे जुज को खबर कहेंगे। पहला जुज आमतौर पर अलिफ लाम के साथ होगा और दूसरा जुज आमतौर पर बगैर अलिफ लाम के होगा और दोनों के ऊपर पेश होगी, ठीक है। और पहला जुज क्योंकि अलिफ लाम के साथ है तो उस पर सिंगल पेश होगी, और दूसरा जुज चूंकि आमतौर पर बगैर अलिफ लाम के होता है
तो उस पर डबल पेश होगी। और मुजक्कर और मुअन्नस में दोनों इसम एक दूसरे के साथ मिलते होंगे, यानी अगर पहला इसम मुजक्कर है तो दूसरा भी मुजक्कर होगा, पहला इसम मुअन्नस है तो दूसरा भी मुअन्नस होगा, एक्सेप्ट एक सूरत में कि जब पहला इसम जमा मुकस्सर आ रहा हो, मुब्तदा जमा मुकस्सर आ रहा हो तो फिर उसकी खबर वाहिद मुअन्नस आ सकती है। इसकी मिसालें हमने अभी एक दो देखी और बाकी हमारी किताब में लिखी हुई है। आई होप के अब इसके बाद इसमें कोई ऐसा टॉपिक बचा नहीं है जिस पे हमने बात ना की हो। सर एक सवाल। जी सर। ये जैसे कुछ अल्फाज हैं जिनके फेल माजी और फेल अमर दोनों एक जैसे हैं। जी। तो ये गलती तो नहीं है? नहीं नहीं, ये नॉर्मल है। अच्छा, जैसे मस्सा है उसका मस्सा ही लिखा हुआ है। जी अच्छा, मस्सा वगैरह ये ज्यादातर हुआ हुआ है ऐसी सूरतों में जहां पर डबल हरूफ वाले अफाल हैं, ये ज्यादातर वही है। मस्सा से देखे ना, जो इसका अमर वाला मस्सा है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे जुन्ना में किया था हमने ना, जुन्ना, तो वहां पर तो मस्सा, ये टेबल कौन सा है, समिया वाला, और इसके रूट वर्ड्स हैं मीम सीन सीन। अब समिया के हिसाब से अगर हम इस पर हरकात लगाएं तो ये बनेगा मसीसा। ठीक है जी, मसीसा बनेगा। अब वो मर्ज करने की वजह से ये बन गया है मस्सा। अगर हम खोलेंगे इसको तो ये मसीसा होगा, लेकिन यहां पर खोलने की इजाजत नहीं है। मसीसा में हमने इसको मसीसा नहीं पढ़ना बल्कि मस्सा ही पढ़ेंगे, मसीसा पढ़ना दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो दूसरा अमर वाला मस्सा है इसको अगर हम देखें तो अमर किस से बनता है, तमस्सु से। ऐसे ही है जो तमस्सु था ना, अंता तमस्सु, यमस्सु यमस्सुना तमस्सु, तमस्सु से अमर बनाते हैं हम। तो तमस्सु से अमर बनाने का तरीका क्या था कि हम शुरू से ता उड़ाएंगे। अच्छा, पहले इसको हम खोल लेते हैं। तो जो ये जो तमस्सु था ये असल में था तम ससु, तस माहु की तरह ना, समिया का पैटर्न है तो इस समिया की तरह ये बनेगा तम ससु, जैसे ता तस माहु। ठीक है, अब इसमें हमने पहला काम ये करना है कि शुरू से ता उड़ा देंगे और आखिर के जो ये पेश है इसको खत्म कर देंगे, तो ये बन जाएगा मीम साकिन और ये बन जाएगा मसस मसस। अब मसस पढ़ना जो है वो मुश्किल है, इस मुश्किल को दो तरीके से हल किया गया है। एक ये है कि इस जबर को उठाकर शुरू में दे दें, अब ये बन जाएगा मस, दो सीन साकिन हो गए, तो इन दोनों को फिर उसने मर्ज कर लिया तो ये बन गया मस्सा। और दूसरा तरीका ये है कि इसको यहीं रहने दिया जाए और इससे पहले शुरू में एक हमजा लगा दी जाए तो ये बन जाएगा इमसस। तो ये डबल हरूफ वाले जितने भी हैं उनके अमर में दो पॉसिबिलिटीज आपको नजर आएंगी, जुन्ना या जुन्नु से, जुन्ना भी ठीक है और उजनुन भी ठीक है। इसी तरह दल्ला या दिल्लू से, दिल्ला भी ठीक है और इदलिल भी ठीक है। इसी तरह ये है मस्सा या मस्सू, तो इससे मस्सा भी ठीक है और इमसस भी ठीक है। दोनों तरीकों से इनको लिखा जा सकता है। और इनके इस्मुल और मफूल कैसे बनेंगे? मस्सा का इस्मुल फाइल बनेगा मा, सॉरी देखिए हमारे पास डबल हरूफ वाले जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो तीन है, एक है जन्ना, एक है दल्ला और एक है मस्सा। सर एक वद्दा भी है। मद्दा और मस्सा एक ही है ना? मस्सा मद्दा एक ही पैटर्न है। वद्दा, वाओ वाओ, वद्दा वही ना, वद्दा और मस्सा ये सारे एक ही पैटर्न पर हैं। पैटर्न एक ही है, मस्सा भी समिया से है
वद्दा भी समय ले, दल्ला जो है ये दराबा का पैटर्न है और जन्ना नसारा का पैटर्न है। अच्छा, नसारा से इसमें फाइल क्या बनता था? नासिर। दल्ला से, दराबा से बनता था दारिब, और समिया से सामिया। अब हमने इससे जन्ना से बनाना है तो हमारे पास मादे के अल्फाज हैं ज़ा, नून, नून, इधर है दाद, लाम, लाम, और इधर है मीम, सीन, सीन। अब इसको हमने नासिर के पैटर्न पर बनाना है, तो ये बनेगा वानिन, वानी नुन, दारिबुन की तरह, नासिरुन की तरह। इधर ये बनेगा वालीलुन, और ये बनेगा मासी सुन। ठीक है, अब इन सब जगहों पर क्या होगा कि ये दो आखिरी एक जैसे आ गए हैं, तो इन एक जैसों को आपस में मर्ज कर देंगे, तो मर्ज करने के बाद ये ज़न्ना से बन जाएगा ज़ानुन, नून पर शद भी आ जाएगी, इसी तरह ज़ल्ला या ज़ल्लु से आ जाएगा ज़ालुन, और मस्सा से आ जाएगा मासुन। ये जो मर्ज हुआ है उसकी वजह से। अच्छा, ये ध्यान में रखिए कि बाज जगहों पर हमें यूं मिलता है कि गैरुल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन हम पढ़ते हैं, वहां या नून की जमा होने की वजह से हम उसका वाहिद दालिन निकालते हैं। ठीक है, तो दालिन असली हालत नहीं है, असली हालत दालुन ही है। आपको अगर टेबल लिखने का कहा जाए तो वहां पर इसकी ओरिजिनल फॉर्म लिखेंगे दालुन, जेर के साथ तो किसी वजह से आएगी, और ना अगर कोई और वजह नहीं होगी हमारे पास तो फिर हम पेश के साथ ही लिखेंगे। अब ये जानते हैं इसम हो या फेल, उसकी असली हालत यही है कि उसे पेश के साथ लिखा जाए, अनलेस के कोई वजह आ जाए जिसकी वजह से उस पेश के बजाय जबर या जेर या जजम लिखी जाए। तो इसलिए जब भी टेबल लिखें तो असली हालत में लिखें, ज़न्ना से ज़ानुन लिखें, ज़ानिन ना लिखें जेर के साथ, दालुन लिखें, दालिन ना लिखें। इसी तरह मासुन लिखेंगे, मासिन या मासन नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, इसमें मफूल, इसमें मफूल तो सीधे सीधे आएगा, ज़ानुन से मजनून आ जाएगा मफूल के वजन पर, वल्ला से वालुन से मदलूल आ जाएगा, और मस्सा से ममसूस आ जाएगा, उसमें कोई मर्ज नहीं है। ठीक है जी, और कोई सवाल? मेरा ख्याल है सवाल नहीं है। अगर सवाल नहीं है तो हम छुट्टी कर लेते हैं, आप लोग अपनी आयात देखिए, और इंशाल्लाह कल तक आपके साथ एक सैंपल क्विज शेयर करेंगे, आप उस सैंपल क्विज को हल करें, उसको समझें, और जो उसके अंदर आपको मुश्किलात नज़र आए, और जो अगर उसमें क्वेश्चंस के अंदर कोई आपकी राय हो, कोई फीडबैक हो, तो वो आप ग्रुप पर शेयर कर दें, ताकि उसके मुताबिक आप लोगों का क्विज आसान से आसान बनाया जा सके। ठीक है जी। सर, ये जो मजहूल में जो तब्दीलियां आती हैं, अगर वो कहीं पर एक जगह पे लिख के शेयर की जाए तो मेहरबानी होगी। जी, मैं चेक करता हूँ, वो शायद हमने पहले कहीं शेयर की भी थी, नहीं की हुई तो मैं दोबारा कर लेता हूँ। वो शेयर की हुई है सर, वो मैं भिजवा देता हूँ सर, शायद लतीफ साहब ने की। प्लीज प्लीज। ओके सर, ये रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा सर, जब ये एडिट हो जाए काइंडली। जी जी सर, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी कल इंशाल्लाह आपको फर्स्ट टाइम मिल जाएगी। ओके जी, अगर कोई और सवाल नहीं है तो सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच।